वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे एमएस एक्सेल में चार्ट फीचर का यूज कैसे करते हैं। चार्ट फीचर का यूज हम एक्सेल में किसी डेटा को ग्राफिक फॉर्म पे दिखाने के लिए करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये टोटलिंग किया हुआ है, इस नेम है, ये नेम सब दिया है, इस नेम का क्या टोटलिंग है, ये सबको एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा चार्ट में। सो चार्ट का यूज करने के लिए सबसे पहले हमें चूज करना पड़ता है जो जो कॉलम का हम चार्ट बनाना चाहते हैं। जनरली 2 का बनाया जाता है, उससे आगे भी आप बना सकते हैं, पर हम जनरली अभी 2 का बना के दिखा रहे हैं। सो फर्स्ट हम ये कॉलम सिलेक्ट कर रहे हैं, कंट्रोल प्रेस करके रखना है और फिर इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ये आइकन बनेगा तो ये क्लिक हो गया। सेकेंड कॉलम सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल को छोड़ना नहीं है, एंड अगेन यहाँ पे आकर के हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। क्लिक किए, सिलेक्ट हो गया। माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा। दो कॉलम हमने सिलेक्ट किया है अभी। अब ये दो कॉलम का क्या, कैसे हम चार्ट बना सकते हैं वो देख लेते हैं। सो दो कॉलम मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, अब इसका चार्ट हम कैसे बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में गए, यहाँ पे चार्ट्स का एक ग्रुप है, यहाँ पे बहुत सारा चार्ट बनता है। हम देखते हैं सभी चार्ट का क्या यूजेस है, जनरल चार्ट्स कैसे क्या क्या इफेक्ट देते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग के पास कॉलम चार्ट है, बहुत सारा कॉलम चार्ट यहाँ बना हुआ है। हम सिंपल में ये चार्ट लेते हैं तो कुछ इस तरह का चार्ट आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबका नाम दिया है, जो कि मैंने फर्स्ट कॉलम यहाँ पे चूज किया था नेम का, यहाँ दिख भी रहा है, और ये कॉलम मैंने सेलेक्ट किया है। सो ये टोटल का पार्ट दिखा रहे हैं और ये कंप्लीट चार्ट एक आपको दिख रहा है। ये रेज फॉर्म पे दिखा रहा है, ग्राफ फॉर्म पे, जिसका जितना वैल्यू है ये उतना ऊपर उठा हुआ है। ओके, नेक्स्ट में हम लोग दूसरा कॉलम भी देख, दूसरा तरह का चार्ट भी देख सकते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं, अगेन हम इंसर्ट चार्ट में जाते हैं। लाइन चार्ट हमारे पास है, लाइन चार्ट में बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे हम सिंपल वाला लेते हैं, ये लेते हैं, तो ये लाइन के हिसाब से अरेंज हो गया। जॉन्स का पहले दिया है, देन बिल्स का, इस तरह से बहुत सारे का दिया है, तो यहाँ पे जो जो नाम दिया है उसके अकॉर्डिंगली ये हाइट चूज करेगा अपना, सेम वैसे ही जैसे पिछले बार वो कर रहा था, जितना वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंगली ये अपना हाइट चूज कर लेता है। अगेन हम दूसरा चार्ट के बारे देखते हैं, पाई चार्ट। पाई चार्ट अच्छा है, इसमें हम एक सर्कल में डिविजन्स करके देख सकते हैं कलर फॉर्म पे। ये वाला सारा कलर है, ये कलर्स नेम के साथ अटैच्ड है, मतलब कि जैसे कि जॉन का ये कलर है तो ये कलर जहाँ पे भी दिखा रहा है वो जॉन का पार्ट दिखा रहा है, तो ऐसे करके ये एक चार्ट बना हुआ है। उसके बाद हमारे पास और भी चार्ट है, जैसे कि यहाँ पे बार चार्ट, ये कॉलम चार्ट जैसा ही है लगभग, और वैसे ही फॉर्मेट में दिखाता है, बट ये हॉरिजॉन्टल वे में दिखाता है इस फॉर्मेट में, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास और एक चार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं एरिया चार्ट। एरिया चार्ट लाइन चार्ट के जैसा होता है, लेकिन इसमें एरिया कवर्ड दिखता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये फील्ड है, एरिया फील्ड, लाइन में ये खाली था, सो ये एक एरिया चार्ट हो गया। देन नेक्स्ट चार्ट हम देखते हैं स्कैटर चार्ट, ये सिर्फ पॉइंट्स दिखाएगा, जो जो पॉइंट जिसका है वो दिखाएगा। यहाँ पे हम एक पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट दिया है, ये जॉन का है तो यहाँ पे दिखाएगा इस पॉइंट को, ये तो ऐसे करके ये सिर्फ पॉइंट्स दिखाता है, ऐसे पॉइंट दिखाने का काम करता है। नेक्स्ट में जो चार्ट हमारे पास है वो अदर चार्ट्स। अदर चार्ट्स में हमारे पास एक है, बहुत सारा और भी चार्ट है, सरफेस चार्ट, सरफेस सरफेस दिखाएगा। एक और यूज होता है जो डेट इज डॉगनेट चार्ट। ये जो यूज होता है, इसका एक अच्छा फीचर ये भी है कि ये मल्टीपल कॉलम में अच्छे से काम करता है। पहले हम दो कॉलम में दिखा रहे हैं, सो ये पाई चार्ट जैसा ही आपको दिख रहा होगा, वैसे ही कलर फॉर्मेट में ये दिखा रहा है, लेकिन मल्टीपल फॉर्मेट में भी ये अच्छे से, मतलब मल्टीपल कॉलम में भी ये अच्छे से काम करेगा। मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक यहाँ पे टोटल दिया हुआ है, प्लस हम नंबर ऑफ यूनिट्स भी लेना चाहते हैं, तो कंट्रोल दबा करके हम इसको सिलेक्ट कर लिए, तीन कॉलम ले लिए। अब इसमें अदर चार्ट में गए, डॉगनेट चार्ट में गए, सो ये कैसे दिखाएगा देखिए, ये बाहर वाला जो एरिया है ये टोटल बता रहा है, ठीक है, और ये जो अंदर वाला एरिया, अंदर वाला जो पार्ट है, ये हम लोग का यूनिट्स बता रहा है, ओके। और ये नाम सब यहाँ पे दिया है, जैसे जॉन का है तो जॉन का ये कलर है, तो ये जॉन का यूनिट होगी, ये सॉरी एंड्रयू का दिखा रहा है, ये कलर जहाँ भी होगा वो जॉन का दिखाएगा, जैसे कि ये जॉन्स का हम लोग का टोटल पॉइंट बता रहा है, और यहाँ पे जाएंगे तो ये जॉन का हम लोग को यूनिट्स बता रहा है, ठीक है। जैसे ही आप उस पार्ट पे रखेंगे, वहाँ स्क्रीन पे इस तरह का बॉक्स में लिखा हुआ आ जाएगा कि कौन सा किसका है और क्या पार्ट बता रहा है, तो ये डॉक्यूमेंट चार्ट का स्पेशल फीचर है। सो ये चार्ट्स का कुछ फीचर हम लोग देखें, जितने भी चार्ट्स मैक्सिमम जो यूज होते हैं वो सब मैंने आपको बता दिया। अब चार्ट्स का फीचर के साथ साथ उसमें क्या क्या और सिस्टम्स है या क्या क्या और एक्स्ट्रा इफेक्ट्स डालने का ऑप्शन दिया है वो देखते हैं।
हम लोग पहले एक सिंपल सा चार्ट चूज कर लेते हैं, दैट इज कॉलम चार्ट। तो यहाँ पे सिंपल सा एक कॉलम चार्ट हम चूज कर लिए। अब कॉलम चार्ट में क्या क्या बेसिक टिप्स है वो देखेंगे। फर्स्ट थिंग, चार्ट एरिया। चार्ट एरिया हम लोग ये पूरे एरिया को बोलते हैं, कंप्लीट एरिया को। ये पूरा एरिया चार्ट एरिया है। उसके बाद हम लोग आता है कैटेगरी एक्सेस। कैटेगरी एक्सेस हम ये लाइन को बोल रहे हैं, ये लाइन कैटेगरी को डिवाइड कर रहा है। जैसे कि जॉन्स इस लाइन पे जा रहे हैं एंड देन गिल्स इस लाइन पे, ऐसे करके ये कैटेगरी को डिवाइड करता है। ठीक है, हम थोड़ा बड़ा और कर देते हैं ताकि वो सही क्लियरली आपको दिखे। अब ये ठीक है, सो जॉन्स यहाँ पे ऐसे है, देन यहाँ पे जर्डाइन है, सो ये इसका दिखा रहा है। तो ये कैटेगरी में बांटता है, वो हुआ कैटेगरी एक्सेस। फिर होता है वैल्यू एक्सेस। वैल्यू एक्सेस ये जो वैल्यूज दिया है इसके सामने जो लाइन जा रहा है ये वैल्यू एक्सेस है। ये पार्ट को हम लोग वैल्यू एक्सेस बोलते हैं। उसके बाद हमारा डेटा सीरीज। डेटा सीरीज हमारा जो पार्ट है वो दिखाता है कि डेटा कहाँ पे है। लाइक अगर हम इसके लिए लिए पेरेंट के लिए लें तो इसका डेटा कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक, तो ये डेटा सीरीज है। ये पार्ट को हम लोग डेटा सीरीज बोलते हैं। फिर हम लोग आता है एक्सेस टाइटल। एक एक्सेस हमने ये वाला देखा, ठीक है, और एक एक्सेस होता है ये वाला पार्ट, ये कैटेगरी एक्सेस, सॉरी कैटेगरी नहीं, वैल्यू एक्सेस। इसको हम लोग वैल्यू एक्सेस बोलते हैं। तो कैटेगरी एक्सेस ये वाला था जो कैटेगरी में हम बांट के दिखा रहा है। हर एक पर्सन का अलग अलग नाम है तो उस नाम के अकॉर्डिंगली कैटेगरी में बांट दिया चार्ट को। और ये वैल्यू एक्सेस है ये वाला, ये हम लोग को अलग अलग वैल्यूज दिखा रहा है, वैल्यू एक्सेस। ठीक है, सो अब कैटेगरी एक्सेस वैल्यू एक्सेस के अकॉर्डिंगली हम लोग के पास एक्सेस टाइटल का एक ऑप्शन रहता है। एक्सेस टाइटल का क्या यूज है वो देखते हैं। लेआउट में जाते हैं हम लोग पहले, और एक्सेस टाइटल यहाँ पे दिया हुआ है। एक्सेस टाइटल पे क्लिक करेंगे, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सेस टाइटल, हॉरिजॉन्टल एक्सेस, ठीक है, जो इस तरह से जा रहा है हॉरिजॉन्टली ऐसे। इसमें हम लोग टाइटल बिलो एक्सेस यानी इसके नीचे लिखाएगा, यहाँ पे लिए। तो ये हम लोग का नेम्स बता रहा है, तो यहाँ पे हम नेम्स लेते हैं। ओके, हम इसमें नाम लिख, नेम्स लिख दिए, तो अब समझ में आ रहा है कि ये नेम्स है। ओके, प्रॉपरली। नेक्स्ट थिंग, हम लोग के पास एक्सेस टाइटल में एक और है, प्राइमरी वर्टिकल एक्सेस टाइटल। इसमें भी हम रोटेटेड फॉर्म पे यहाँ पे लिखाएगा, वैल्यूज लिख देते हैं क्योंकि ये वैल्यूज बता रहा है। अगर वैल्यूज नहीं भी तो आप ये क्या वैल्यू बता रहा है वो भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये टोटल बता रहा है, सो हम टोटल लिख दिए यहाँ पे। तो अब हमको पता चल रहा है कि ये टोटल बता रहा है, अब ये टोटल बता रहा है। सो ये दो हम लोग के पास एक्सेस टाइटल है। फिर चार्ट टाइटल हमारे पास, चार्ट टाइटल मीन्स यहाँ टोटल लिखा रहा है, ये सही नहीं लग रहा है। एक्चुअल में ये किस चीज़ का चार्ट है, ये सेल्स ऑर्डर का चार्ट है। ठीक है, तो सेल्स ऑर्डर का अगर चार्ट है तो हम इसमें लिख देंगे सेल्स ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर। ठीक है, तो ये सेल्स ऑर्डर का चार्ट हो गया। नेक्स्ट में हमारे पास आता है प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया इसको बोलते हैं, चार्ट एरिया ये पूरा चार्ट एरिया है, कंप्लीट चार्ट एरिया, लेकिन प्लॉट एरिया सिर्फ ये वाला है जहाँ पे चार्ट प्लॉट किया गया है। देन हमारे पास आता है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस लाइंस देता है जो कि एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है चार्ट को, प्रॉपर रीडिंग के लिए हेल्प होता है। लाइक प्राइमरी हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन, जिसमें ऑलरेडी मेजर ग्रिड लाइन है ही, तो हॉरिजॉन्टल में देखिए ये लाइंस आ रहा है। अगर हम यहाँ से ग्रिड लाइन को हटा दें तो ये लाइन नहीं आएगा, नहीं कर दिए तो ये लाइन हट गया। अब रीडिंग में प्रॉब्लम होगा, कहाँ तक जा रहा समझ में नहीं आ रहा। प्राइमरी हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन को हम रहने देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्राइमरी वर्टिकल ग्रिड लाइन भी हम ले सकते हैं, मेजर ग्रिड लाइन ले लिए। तो देखिए अब सबका अपना अपना सेपरेशन भी दिख रहा है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए, अलग अलग का सेपरेशन हो गया, एक पूरा ग्राफ पेपर जैसा वो लुक देता है। देन हमारे पास लेजेंड्स है। लेजेंड इसको बोलते हैं, ये और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा अगर हम इसको चार्ट को स्विच कर दें, मतलब रो कॉलम अपोजिट कर दें, नेम्स इधर आ जाए, टोटल इधर आ जाए, तब और अच्छे समझ में आएगा। हम चार्ट को स्विच कर दिया, टोटल इधर आ गया है और नेम्स इधर आ गया, क्योंकि यहाँ नेम्स फिक्स नहीं होगा। सो हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए है, प्रॉपरली एक लेजेंड बना दिए। अब हर नाम के आगे यहाँ पे कलर दिया हुआ है, जॉन्स इसका कलर, इसी को लेजेंड बोलते हैं। तो ये यहाँ पे ब्लू कलर में है, इनके वैली सबका अपना अपना अलग अलग कलर दिख रहा है। तो ये हुआ हम लोग का लेजेंड्स। अभी ये पूरा नाम नहीं इसमें फिट हुआ है, हम चार्ट को और एलोंगेट कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, तो हम इसको चार्ट को लंबा करके पूरा नाम यहाँ पे आ गया। तो ये एक तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास जो आता है डेटा लेबल्स। डेटा लेबल्स क्या है वो देखते हैं। डेटा का लेबल्स क्या होता है, ये जो डेटा है इसके ऊपर अगर इसका वैल्यू लिखा है तो और अच्छा लगता है, ठीक है, प्रॉपरली समझ में आता है। सो हम यहाँ पे डेटा लेबल्स में जाएंगे, यहाँ ऊपर लेबल्स के अंदर ऑप्शन है, और यहाँ पे हम लोग बहुत सारे ऑप्शन है। सेंटर, सेंटर का मतलब बीच में लिखा आएगा, इनसाइड मतलब वो जो रोज उठा हुआ है उसके बीच में लिखा आएगा, आउटसाइड एंड रखते हैं तो इसके ठीक ऊपर लिखा आ रहा है, यहाँ पे ठीक ऊपर लिखा आ रहा है,
ठीक है। अगर हम यहाँ से ग्रिड लाइन हटा दें तो और प्रॉपरली इसमें दिखेगा, जब हम इसको वैल्यूज़ को एक्टिवेट किए ही है तो ग्रिड लाइंस का हमको ज़रूरत नहीं है। और हम इसको प्रॉपरली देखने के लिए चार्ट को थोड़ा सा और वाइड कर देते हैं। अब देखिए सबके ऊपर अपना अपना वैल्यू लिखा रहा है, ये इसका वैल्यू है, ये इसका वैल्यू है, सबके ऊपर अपना अपना वैल्यूज लिखा रहा है। तो ये हम लोग का डेटा लेवल्स हुआ। नेक्स्ट है हम लोग का डेटा टेबल। टेबल डेटा टेबल का ज़्यादा यूज़ नहीं है, वो एक फॉर्मेट है जो कि एक्चुअली में नीचे अलग से टेबल्स में भी वैल्यू दिखा देता है। चार्ट के अंदर का उसका कोई काम नहीं है, मतलब कि प्लॉट एरिया में वो कोई काम नहीं करता है, ठीक है। वो जनरली वैल्यूज दिखा देता है, लाइक डेटा टेबल हम यहाँ सेलेक्ट किए तो ये अलग से हम लोग को वैल्यू नेम के साथ दिखा रहे हैं, अलग से देखिए यहाँ पे अलग से वैल्यूज दिखा रहे हैं। नेक्स्ट में चार्ट में जितना फीचर्स जनरली यूज के लिए वो सब मैंने आपको बता दिया। प्लॉट एरिया हम लोग के पास ऑलरेडी शो प्लॉट एरिया किए हुए है, नन शो करेंगे तो प्लॉट एरिया हिडन हो जाएगा। तो ये सब फीचर्स इसमें चार्ट में है। और एक चीज़ है, डिज़ाइन के अंदर हमारे पास चार्ट का बना बनाया डिज़ाइन है, जैसे कि ये हम सेलेक्ट करें कलर चेंज हो, चार्ट का बना बनाया डिज़ाइन है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है स्विच डेटा, मैंने आपको करके दिखाया डेटा कैसे स्विच होता है। जैसे कि यहाँ पे फिर देखिए अब नेम्स यहाँ लिखा हुआ आ गया, लेजेंड नहीं रहा, प्रोटीन किसका हुआ, मतलब लेजेंड जो था वो अब क्या हो गया, ये जितना सब एक ही कलर में आ गया। अब लेजेंड जो हम लोग का है वो सिर्फ यहाँ साइड में एक पॉइंट पे दिख रहा है टोटल नाम से, ठीक है। लेकिन अभी हम स्विच करेंगे फिर से तो नेम्स के ऊपर लेजेंड बन जाएगा। जैसे हम स्विच किए देखिए नेम्स के ऊपर लेजेंड बन गया, ठीक है। कलर इसलिए एक ही लगभग एक ही लग रहा है क्योंकि हम यहाँ पे ये सिलेक्ट किए हुए, अगर हम इसको हटा दें कंट्रोल जेड दबा के हम हटा दे रहे हैं, नॉर्मल फॉर्मेट में चल जा रहा है, तो ये नॉर्मल फॉर्मेट में आ गया। ओके चेंज चार्ट टाइप, ये यहाँ पे एक ऑप्शन है चेंज चार्ट टाइप का, इस पर क्लिक करेंगे, इसको बार फॉर्मेट में चाहते हैं तो बार फॉर्मेट में ला देंगे हम। अब यहाँ पे चार्ट जो है वो बार फॉर्मेट में आ जाएगा, देखिए ये बार फॉर्मेट में आ गया, ऐसे ऐसे जा रहा है। ओके सो ये बार फॉर्मेट में आ गया इस तरीके से हम, और जो डेटा हम सिलेक्ट किए हुए हैं हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ सेलेक्ट डेटा पर क्लिक करेंगे तो ये फिर से एक बॉक्स खुलेगा, हम यहाँ से चेंज कर सकते, एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, किसी का नाम भी रिमूव कर सकते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर सेल को भी रिमूव कर सकते हैं, मतलब उसको हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा भी ऑप्शन है यहाँ पे हमारे ऊपर है हम क्या यहाँ से चूज़ करते हैं। ऑलरेडी जो सिलेक्ट किया हुआ वो रेंज यहाँ दिखा रहा है, हम फिर से यहाँ क्लिक करके रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ऑलरेडी यहाँ पे ये रेंज सेलेक्ट किए ही हुए हैं, अगर हमको रेंज चेंज करना है तो हम यहाँ सेलेक्ट करके कर सकते हैं। कैंसिल करते हैं अभी इसको क्योंकि ऑलरेडी पहले ही हम सेलेक्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एक लेआउट का जितना भी ऑप्शन, जितना ज़रूरी ऑप्शन था जो यूज़ होता है जनरली, वो सब मैंने आपको बता दिया है। फिर फॉर्मेट का एक ऑप्शन है, फॉर्मेट ऑप्शन जैसे कि वर्ड में होता है वैसे इसमें भी है, आप किस फॉर्मेट में देखना चाह रहे हैं चार्ट को, लाइक अगर हम ये लेंगे तो उसका बॉर्डर रेड कलर हो गया, ऐसे हो गया, फिर हम शेप फिल ले लेंगे तो वो अलग तरीके से फिलिंग हो जाएगा चार्ट पूरा, तो ये अलग अलग फॉर्मेट है। अगर हम शेप का आउटलाइन ले लेंगे तो ये आउटलाइन हो गया, अलग अलग कलर का आउटलाइन है, ठीक है, ये आउटलाइन हो गया। तो इस तरीके से हम अलग अलग इसमें फीचर लगा सकते हैं, इफेक्ट डाल सकते हैं, और यहाँ से हम फाउंट ले सकते हैं, किस फाउंट पर हम लिखना चाह रहे हैं तो ये अलग अलग फाउंट ले सकते हैं। तो ये सारा ऑप्शन हमारे पास चार्ट में होता है। इस तरह के और भी वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।